आईपीएल 2024 के 69वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमों के लिए यह उनका आखिरी लीग मैच है, जहां एक ओर हैदराबाद ने पहले ही क्वालिफाई कर लिया है, वहीं पंजाब प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। हैदराबाद के पास फिलहाल 15 पॉइंट्स है और वह इस मैच को जीतकर अपने अंक में इजाफा करना चाहेगी। वहीं पंजाब भी अपने आखिरी मैच को जीतकर इस सीजन का अंत करना चाहेगी। आइए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में होने वाले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और एक बेस्ट ड्रीम 11 टीम के बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगर सबसे पहले पिच की बात करें तो हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम अपने सपाट विकेटों के लिए जाना जाता है। यहाँ बल्लेबाजों को काफी मदद मिलती है और ढेर सारे रन बनते दिखते हैं। हालांकि खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पिच स्पिनर्स के लिए भी मददगार बन जाती है। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो यहाँ पर चेज करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता मिली है। ऐसे में एक बार फिर टॉस दोनों टीमों के लिए एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है। ये तो हो गई पिच की बात, अब दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें, उनके लिए एक बार फिर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन और एडन मार्टन जैसे बल्लेबाज एक्शन में दिखेंगे। आगे ऑलराउंडर के तौर पर आप इस टीम के लिए शहबाज अहमद को देखेंगे। पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और जयदेव उनादकट जैसे गेंदबाज हैदराबाद के लिए एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब अगर पंजाब की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह, आशुतोष शर्मा और जितेश शर्मा जैसे बल्लेबाज एक बार फिर एक्शन में दिखेंगे। पंजाब के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों पर होगी। चलिए अब जानते हैं इस मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 टीम क्या हो सकती है। तो आप अपनी फैंटेसी टीम में विकेट कीपर के तौर पर हेनरिक क्लासन और प्रभसिमरन सिंह को रख सकते हैं। बल्लेबाज के तौर पर आप अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और विले रोशो को रख सकते हैं। आगे ऑलराउंडर के स्लॉट में आप शशांक सिंह को आजमा सकते हैं। आगे गेंदबाजी के विकल्प के लिए आप पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और राहुल चहर को रख सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए पहले बेस्ट विकल्प क्रमशः रिले रोशो और पैट कमिंस हैं। रोशो और कमिंस के अलावा आप ट्रेविस हेड को कप्तान और हेनरिक क्लासन को उपकप्तान भी बना सकते हैं। तो ये थी हैदराबाद बनाम पंजाब मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम। ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।